युवा लड़का पैदा हुआ। पैदा होने के बाद में लड़की डर गई, मैं कुंवारी थी अभी विवाह नहीं हुआ और मुझे लड़का के लोग क्या कहेंगे। प्रसन्न जी ने कहा करने की तो नहीं कोई बात नहीं है, कुंवारी तुम कुंवारी की कुंवारी ही रहोगी और ये लड़का साधारण नहीं है, नारायण का अवतार है, ये बहुत कुछ करेगा जगत में, इसको अच्छी तरह से देखना। व्यास जी ने माता जी को प्रणाम किया और कहा माता जी आप जब हमको बुलाएंगी हम तुम्हारे पास में चले आए, कोई इच्छा होगी मैं पूर्ण कर दूंगा। इसके बाद में प्यास सुना से चले गए। ये प्यास जी नारायण के यदि अवतार सत्यावेश नहीं होते, इतना इन्होंने लिखा है काम किया है कि एक आदमी 10 जन रूप में भी पढ़ करके उपलब्धि नहीं कर सकता, इतने ग्रंथ लिखे हैं। सब प्रथम उन्होंने वेदों के 4 विभाग ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेद, एक ही पहले वेद था उसका 4 विभाग किया। इसके बाद में समस्त वेदों की संक्षेप में 550 सूत्र किए जिसको ब्रह्म सूत्र कहते हैं। ब्रह्म सूत्र माने क्या, ब्रह्म एक है, वही जगत का कर्ता भक्ता है, जगत का सृजन संहार पालन करता है, वो सर्वगुण संपन्न है, वही एक है, निराकार नहीं आकार युक्त है, सभी उसी का वर्णन करते हैं। ब्रह्म सूत्र कठिन था, समझना बड़ा कठिन, इसलिए उसको समझाने के लिए पुराणों की रचना, 12 पुराण, 18 पुराण, 18 उप पुराण, 18 शाखा पुराण, 54 पुराणों की रचना की और तब उनको और भी बोधगम्य करने के लिए लोगों को साधारण रूप में समझने के लिए महाभारत की रचना की जिसमें गीता है। ये सब करके भी देखा कि मेरा चित्त तो संतुष्ट नहीं हो रहा, मुझ में अभी कुछ कमी है, कमी क्या है मुझे मालूम नहीं हो रहा, चित्त क्यों नहीं प्रसन्न है। इतने में उनके गुरु नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा, नारद जी को उन्होंने प्रणाम किया, पूजा किया अपने गुरु को और फिर जब शांति से बैठ गए, नारद जी ने पूछा तुमने तो समस्त प्रकार के ब्रह्म शास्त्रों की रचना की, ब्रह्म सूत्र, वेदों का विभाग, सारे पुराण, महाभारत, उसमें गीता, सब कुछ किया, तुम खिन्न क्यों हो, असंतुष्ट क्यों हो। अजय गुरु जी है मुझको पता, ये तो आप कहते हैं आप ही बतला सकते। उन्होंने कहा कि ना मैं बतलाऊंगा, बतलाता तो हूं, ये तुमने जो कुछ किया है महाभारत का पुराणों का उसमें केवल धर्म अर्थ काम मोक्ष की तर्क का वर्णन किया, धर्म क्या है, वर्णाश्रम धर्म क्या है, उसका पालन करने से धर्म होता है, धर्म से अर्थ इत्यादि आकर के सबका पालन पोषण इत्यादि होता है और फिर इसे विरक्त होकर के भगवत उपासना करने से मुक्त हो जाता है। इसके बाद में तुमने कृष्ण लीलाओं का चरित्र का गायन नहीं किया, हरिवंश पुराण में, महाभारत में और दूसरे पुराणों में कुछ कुछ लीला का वर्णन किया किंतु महत्व अधिक नहीं मिला।
क्या तुमने लिखा कृष्ण का जन्म मथुरा में आंशिक रूप में पूर्ण रूप में गोकुल में हुआ, घर घर में वो माखन परम ब्रह्म माखन चोरी करता था, उसकी मैया ने परम ब्रह्म होते हुए भी उसको गोखल में बांध दिया, लठिया ले करके डरा नहीं मारूंगी उस परम ब्रह्म को जो विश्व ब्रह्मांड का रचयिता पालन करने वाला है, उसको भी लठिया लेकर के रो रहा है, परम ब्रह्म रो रहा है, भैया मुझे मत मार, मुझे मत मार। क्या लिखा तो नहीं तो क्या तुमने लिखा, ये इनके सहाय इनको कुश्ती में हरा देते हैं बल में युद्ध में कृष्ण को सुभाषितान, और उसके कभी कभी उनके कंधे पर वो चढ़ते हैं उनके कंधे पर। लिखा तो नहीं तो क्या तुमने रासलीला वर्णन लिखा, गोपी गीत लिखी, भ्रमर पथ लिखा, क्या तुमने लिखा कि कृष्ण स्वयं गोपियों की आराधना से संतुष्ट होकर के कह रहे हैं न पा रहे हम निर्वत्त से। लिखा नहीं तो हे गोपियों मैं तुम्हारा भी नहीं चुका सकता, ब्रह्मा की आयु मिलने पर भी मैं नहीं चुका सकता, तुम अपने आप अपने सद्गुणों से मुझे प्रसन्न हो किंतु फिर भी मैं तुम्हारा ऋणी रहूंगा। लिखा तो नहीं, फिर क्या लिखा, क्या लिखा, राधा जी की जितनी सखियां हैं, कृष्ण की जितनी भी सखियां हैं, जितनी भी गोपियां हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ राधा जी हैं रूप गुण और सब में, और बाकी सब उनकी सहायता है। लिखा तुमने गुरु जी मैं कैसे लिखूं, मैं तो जानता नहीं, भक्ति योग से समाधि करो, समाधि में देखो भक्ति योग माने क्या, हे कृष्ण मैं तुम्हारा हूं, मैं आपकी समस्त लीलाओं को जानना चाहता हूं, समाधि लगा कृष्ण द्रवित हो गए और उन्होंने अपना अपश्यक पुरुषम पूर्ण क्या देखा, अपश्यक पुरुषम पूर्ण पूर्ण पुरुष को देखा, पूर्ण पुरुष कैसे होगा उनके परिकर होना चाहिए, उनकी माता पिता नंद यशोदा है, सखा लोग हैं, गोपियां हैं, उनकी समस्त लीलाएं जो चल रही है जन्म से लेकर अंत तक सब लीलाओं को उन्होंने साइक्लिक ऑर्डर में देखा, और फिर देखा जो जीव भगवान का स्मरण करता है इस लोक से परलोक में जा रहा है, और जो लोग भगवान को भूल रहे हैं भगवान का भजन नहीं करते वो ऊपर लोक से नीचे लोक में जा रहे हैं मृत्यु लोक, और उनको बुढ़ापा जनमरण और बुढ़ापे का दुख जनमरण का दुख ये सब वो करना पड़ता है सब देख करके, और तब जस्यावै सूर्य में आयाम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति रूप पद्धति इसके बाद में उन्होंने जो समाधि में देखा जन्म से लेकर के अंत तक वंश का ध्वंस करा करके अपना फिर गोलोक वृंदावन में विजय किए वो सब को उन्होंने देखा, और जैसा जैसा हो लोगों के उपकार के लिए मंगल के लिए उनकी लीलाओं का वर्णन किया, जो वर्णन किया इसी का नाम भागवत है। जसावाई सूर्यमाना इसको प्रीति पूर्वक सुनने से क्या सुनने से इसका प्रतिपाद्य विषय क्या है भागवत का, कृष्ण स्वयं भगवान है और उनका प्रेम चाहिए, यही प्रेम प्रयोजन है, प्रेम नहीं होने से कृष्ण मिलने से भी कुछ लाभ नहीं, प्रेम ही प्रयोजन है, और प्रेम क्या दास सख्त बात्सल्य मधुर और मधुर में मधुरी गोपियों का भाव सर्वश्रेष्ठ भाव है, यही भागवत का प्रतिपाद्य है। इसके बाद में
उन्होंने इसी को अपने बेटे सुखदेव गोस्वामी को पढ़ाया और सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित की सभा में इसका प्रथम अधिवेशन किया। इसी के बाद में जगत का कल्याण होने के लिए करने के लिए भागवत में सर्वत्र विचार गौ ब्रह्मानंदे। एक महामंत्र का कोई